आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है, इन सोनोमीटर द वेव्स प्रोड्यूस्ड आर लॉन्गिट्यूडिनल, ट्रांसवर्स प्रोग्रेसिव, ट्रांसवर्स स्टेशनरी एंड पोलराइज, ट्रांसवर्स स्टेशनरी एंड अनपोलराइज। ठीक है गाइज, तो देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि सोनोमीटर में जो वेव्स प्रोड्यूस होती हैं वो कैसी होती है। तो सबसे पहले सोनोमीटर बना लेते हैं गाइज। देखिए ये क्या है हमारा सोनोमीटर का सेटअप, कुछ ऐसा होता है। ये यहाँ पे एक पुली होती है ऐसे, ओके, और यहाँ से एक वायर जो होता है वो ऐसे लटका होता है। वायर नहीं मतलब स्ट्रिंग समझ लीजिए, ओके। और एक वायर जो होता है, स्ट्रिंग होता है, ये यहाँ पे ऐसे जो होता है जहाँ पे ऐसे ब्रिजेस लगे होते हैं ऐसे, ठीक है। और इस ब्रिजेस की लेंथ को हम लोग क्या करते हैं, एडजस्ट करके आगे पीछे करके, ये ब्रिजेस की लेंथ को हम लोग आगे पीछे करके रस्सी की जो इफेक्टिव लेंथ होती है, एल इफेक्टिव कहते हैं जिसको, जो ब्रिजेस के बीच की लेंथ होती है, उसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। और ये ब्रिजेस ना भी हो तब भी ये वाइब्रेट करेगा गाइस, बस हम लोग को यहाँ से यहाँ तक की इफेक्टिव लेंथ मिलेगी, ठीक है। तो और ये मास कुछ मान लेते हैं एम है, तो ये एम जो होता है इसमें टेंशन देता है, और टेंशन की वजह से रस्सी में कुछ वेलोसिटी वी इज इक्वल टू रूट ओवर टी बाई म्यू आती है, ठीक है। और उसके बाद से ये वाइब्रेट करता है। तो ये हो गया कुछ सोनोमीटर का सेटअप। सोनोमीटर का सेटअप बताने का पर्पज ये था गाइस कि हम लोग को ये बात समझ में आया कि ये जो यहाँ पे जो ब्रिजेज हैं ये एक नोड की तरह बिहेव करते हैं, ठीक है। ये ब्रिजेज कैसे बिहेव करते हैं, नोड की तरह। इसका मतलब ये जो दोनों पॉइंट हैं वो कैसे हैं, स्टेशनरी हैं। और दो जब दो पॉइंट दो स्टेशनरी पॉइंट के बीच में जब वेव जो होती है वो बनती है, तो हम लोग इस ऐसे ऐसे वेव को हम लोग कैसे जानते हैं, ऐसे जैसे दोनों सिरों से फिक्स हो, इस टाइप की वेव, ठीक है, दोनों एंड से फिक्स हो। क्योंकि यहाँ पे भी ऐसे वेव कैसे बनती है, या तो कुछ ऐसे बनती है ऐसे, ठीक है, या फिर कैसे बनती हैं, ऐसे बनती हैं ऐसे, इस टाइप की वेव बनती है, या फिर तीन लूप बन सकते हैं, ज़्यादा भी बन सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये वेव होती कैसे है गाइस, यहाँ पे जो स्ट्रिंग है जो वाइब्रेट कर रहा होता है वो देखिए, इसमें पार्टिकल अपने अपने मीन पोजिशन के अबाउट क्या करते हैं, ऐसा चम करते हैं। इसमें अगर देखें तो ये पार्टिकल अगर ऐसे ऊपर की तरफ, तो ये पार्टिकल नीचे की तरफ, अगर तीन लूप बने तो फिर एक ऊपर एक नीचे एक ऊपर, फिर से अगर चार लूप बने ऊपर नीचे ऐसे होता है, ठीक है। तो पार्टिकल जो होते हैं वो अपने अपने जगह पे क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं, ठीक है। और स्ट्रिंग में अगर वेव की बात करें तो स्ट्रिंग में वेव कैसे ट्रेवल करती है, ऐसे, ठीक है, ऐसे ट्रेवल करती है। लेकिन यहाँ पे ये ट्रेवल नहीं कर रही है गाइस, ठीक है, यहाँ पे ये ट्रेवल नहीं कर रही है, ये क्या हुई है, इसके पार्टिकल अपने अपने जगह पे रुके हुए हैं, इसीलिए हम लोग इसको किस नाम से जानते हैं, स्टेशनरी वेव से। तो जो अच्छा, और पार्टिकल जो है, देखिए वेव का अगर प्रोपोगेशन होता है तो किधर होता है, ऐसे, इसकी एक्सिस ये होती है, वेव प्रोपोगेशन ये इस डायरेक्शन में। और यहाँ पे भले ही वेव प्रोपोगेशन नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ पे ये जो वेव बन रही है ये तो दो वेव के प्रोपोगेशन अपोजिट डायरेक्शन में प्रोपोगेशन से ही बन रही है, ठीक है। क्योंकि स्टेशनरी वेव कैसे बनती है, जब दो वेव जो होती है सेम एम्पलीट्यूड की और सेम स्पीड की अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल करती हैं, तो उनके सुपर पोजिशन से स्टेशनरी वेव बनता है। तो जो वेव का प्रोपोगेशन होता है, पार्टिकल का मोशन उनके परपेंडिकुलर है। देखिए वेव का प्रोपेगेशन इधर है, पार्टिकल का मोशन क्या है, परपेंडिकुलर है, इसलिए हम लोग इसको कौन सा वेव कहते हैं, ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स का मतलब सीधा साधा मतलब होता है, एक शब्द में अगर जाने तो परपेंडिकुलर, ओके। तो ट्रांसवर्स ये समझ में आ गया, स्टेशनरी ये समझ में आ गया। पोलराइज्ड या अनपोलराइज्ड की चर्चा कर लेते हैं। पोलराइज्ड का मतलब क्या है कि किसी एक ही डायरेक्शन में मोशन, ठीक है, एक ही डायरेक्शन मतलब एक ही स्पेसिफिक डायरेक्शन में वो पोलराइज है। जैसे अगर लाइट को लेकर, अगर हम लोग लाइट को लेकर इसको समझें, तो लाइट अगर पोलराइज नहीं होती है तो वो कुछ ऐसे वाइब्रेट करती है, ऐसे हर डायरेक्शन में, उसको ऐसे शो करते हैं, ऐसे हर डायरेक्शन में। लेकिन अगर हम लोग इसको किसी एक पोलराइड से हम लोग पास करा लें, ये मान लीजिए हमारा पोलराइड है, ठीक है, पोलराइड को जनरली हम लोग हेक्सागन से शो करते हैं, ऐसे पोलराइड से अगर हम लोग इसको इस वेव को पास करा लें, लाइट वेव को, तो ये कैसे कैसे हो जाती है, पोलराइज हो जाती है, ऐसे एक ही डायरेक्शन में इसका वाइब्रेशन हो जाता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं स्ट्रिंग में वाइब्रेशन एक ही डायरेक्शन में है, ठीक है, यूनिट डायरेक्शन है। तो यहाँ पे हम लोग क्या समझ सकते हैं कि जो स्ट्रिंग है हमारी, ट्रांसवर्स पहले प्रूव कर चुके हैं, स्टेशनरी पहले प्रूव कर चुके हैं, और यहाँ से पोलराइज्ड है हम लोगों को समझ में आ रहा है। यानी थर्ड ऑप्शन हमारा हो जाएगा करेक्ट, कि ट्रांसवर्स स्टेशनरी एंड पोलराइज्ड होती है जो हमारी स्ट्रिंग में सोनोमीटर में वेव बनती है। होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।